नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राज तिलक में आज आप देख रहे हैं आज तक का हेलीकॉप्टर शॉट। टीवी इंडस्ट्री के इतिहास में आज तक 543 लोकसभा सीटों में इस तरह का तूफानी दौरा आपने कहीं नहीं देखा होगा, और इसीलिए आज तक कहलाता है। जी हाँ, हर सीट पर जाकर हमारी कोशिश होगी कि लगभग 100 से ज्यादा सीटों पर पहुंचकर वहां पर जनता की राय जाने, जनता को मंच दे ताकि वो अपने नेताओं से सवाल करे। और इसी कड़ी में इस बार उत्तराखंड में हम टिहरी से लेकर हरिद्वार, ऋषिकेश और उसके बाद अब देहरादून पहुंचे। सबसे पहले तालियों के साथ यहाँ मौजूद जनता का जबरदस्त अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का आज तक के राज तिलक में इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अपने अपने नेताओं के लोग यहाँ पर नारे भी लगाने लगे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आपको दिखाएं कि इससे पहले टिहरी में, ऋषिकेश में जब हम लोगों के बीच में गए तो उन्होंने क्या मुद्दे उठाए, उससे पहले आपको दिखा परिचय करा देते हैं खास मेहमानों से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सब अपने अपने नेताओं के नारे भी लगा रहे हैं, इधर से मोदी के, उधर से बॉबी परमर के नारे लग रहे हैं, आलोक शर्मा जी की पार्टी के भी नारे लग रहे हैं। सबसे पहले अजय आलोक, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। विधायक है मुन्ना सिंह चौहान साहब, एमएलए बीजेपी के विजयनगर से, तालियों से स्वागत कीजिए। दो खास मेहमान कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी का, उनके साथ है सुजाता पॉल जी जो कि प्रवक्ता है। देखिए, हमने कोशिश ये की है कि सिर्फ राष्ट्रीय प्रवक्ता ना हो, उनके साथ यहाँ के भी नेता है ताकि स्थानीय मुद्दे भी उठाए जा सके और स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा हो सके। हमारे साथ बॉबी परवर जी मौजूद है जो कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो समर्थकों ने अपने अपने नेताओं के लिए मोर्चा संभाल लिया है, सब अपने अपने नेताओं के नारे लगा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम शुरुआत करें, इसी उत्तराखंड में 5 की 5 सीटों पर 19 अप्रैल को पहले फेज में ही वोटिंग हो जाएगी। शुरुआत करते हैं आपको दिखाते हुए कि आज जब हम टिहरी में पहुंचे, ऋषिकेश में गए, तो वहां की जनता ने क्या बातें की। 100 लोकसभा सीटों पर हम जा रहे हैं अपने आज तक के राज तिलक वाले हेलीकॉप्टर के साथ। तो हम पहुंच गए हैं आज राज तिलक के पहले स्टॉप पर, टिहरी में हम पहुंच गए हैं। टिहरी झील, विश्व प्रसिद्ध टिहरी झील के बगल में है जहां गंगा जी भागीरथी का मिलन होता है। हमारे साथ जुबिन नौटियाल साहब भी हैं। पहले तो भू कानून लागू हो जाए, भू कानून चाहते हैं हम। अगर युवाओं को जॉब ही नहीं मिलेगी तो देश कैसे डेवलप करेगा हम? जब उत्तराखंड एक जुबिन नौटियाल बना सकता है तो उत्तराखंड मुझे लगता है 1 लाख जुबिन नौटियाल बना सकता है। और यहाँ पर पेपर लीक किया जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से कितने लोगों को लगता है कि अच्छा हुआ है? अच्छा, बच्चे उठा रहे यार। पंडित नानदत्त तिवारी यहाँ के मुख्यमंत्री बने, लेकिन पहाड़ के लिए नहीं सोचा। जो ये सरकार है इसने हमें आगे बढ़ाया है, नहीं तो हम घर ही में थे, हमें कौन जानता था, कोई नहीं जानता था। जैसा दिखने में आ रहा है वो मोदी जी की बहुत लोकप्रियता है यहाँ पर, मोदी जी को बहुत प्यार करते हैं। इस बार हम राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, इस बार निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। अच्छा, भाजपा कांग्रेस ने कुछ किया था लेकिन उससे अच्छा भाजपा कर रही है। हेलीकॉप्टर पहुंच गया है ऋषिकेश, और हम ऋषिकेश में यहाँ की जनता से बात करेंगे। जुबिन नौटियाल जी हमारे साथ हैं, इतनी खूबसूरत महिलाएं, बताइए एकदम। इस उत्तराखंड में, देवभूमि में अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुलेगी तो हम लोगों कहाँ जाएंगे? फिल्म यूनिवर्सिटी का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर काम तो अच्छे हुए हैं, हम मोदी सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं। धरातल की बात करें, अपने जमीन की बात करें, अपने उत्तराखंड को बचाने के काम करें। ऐसे बीजेपी जीत रही है, मेरा मानना ये है। ओवरऑल यदि हम नंबर देंगे तो 100 में से 90 नंबर तो मोदी जी को पिछले कार्यकाल के भी है। काम हुआ है, अब की बात 400 पार। राहुल गांधी को नहीं मिली नौकरी, बेरोजगार हुए तो राहुल गांधी, और कोई नहीं हुआ है। आज इस देश का युवा विकसित भारत बनने के लिए वोट। चलिए, इसी के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो संकल्प पत्र कहकर लॉन्च किया है।
तो जो बड़ी बातें हैं 10 उसकी वो आपको बता देते हैं, जिसके बाद चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि अगले 5 साल तक मुफ्त राशन जो वो 80 करोड़ जनता को दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम इसे जारी रखेंगे। जीरो बिजली बिल, वो कह रहे हैं जो सोलर पैनल्स घरों पे छत पर लगेंगे पीएम गृह योजना से, सूर्य योजना से, उससे वो होगा। 3 करोड़ लखपति दीदियों की उन्होंने बात की है, कामकाजी महिलाओं के लिए सुविधाएं, 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को वो आयुष्मान कार्ड देंगे, योजना में शामिल करेंगे। बुलेट ट्रेन का विस्तार, 3 करोड़ घर बनाने का संकल्प, वन नेशन वन इलेक्शन, क्या ये मुमकिन हो पाएगा, कह रहे हैं कार्यान्वयन उसका शुरू करेंगे। इसी के साथ मेडिकल शिक्षा में सीट बढ़ाएंगे, समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। ये 10 बड़ी बातें आज कही गई है बीजेपी के घोषणा पत्र में। ये बताते हुए और टेहरी ऋषिकेश की बात करते हुए आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। देखिए अपने अपने नेता को सुनिएगा, नहीं तो कैसे होगा। सबसे पहले अजय आलोक जी, जनता के बीच आप दोबारा पहुंचे हैं और जनता के बीच जाते हुए आपको इन सवालों का जवाब देना। वो कहेंगे कि ये सब आपने पहले भी कहा था, कहां पर काम पहुंचा, क्यों आप पर फिर से भरोसा करें, तीसरा टर्म बीजेपी को क्यों दे, बताइए। अंजना जी, मेरे हाथ में है मोदी की गारंटी, ये जनता इसीलिए हम पे भरोसा करेगी क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। आज की तारीख में उत्तराखंड पहला राज्य बना, हाँ। इस देवभूमि पे हम खड़े हैं, ये पहला राज्य बना जिसने सामान्य यूसीसी, जिसकी यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात कर रहे हैं, उसमें यहाँ लागू करके दिखाया है। और जब देवभूमि से जो काम आरंभ होता है तो वो पूरे देश में फैलता है, इसीलिए ये मुमकिन है। वन नेशन वन इलेक्शन अगर हम कहते हैं तो ये इसलिए मुमकिन होगा कि शक्ति है। हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो कहते हैं पर्सनल लॉ को स्ट्रेंथन करेंगे। हम कहते हैं देश एक साथ चलेगा, वो कहते हैं एक परिवार एक साथ चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी पे भरोसा करने की बजाय पिछले 10 साल का इतिहास, जिस लेगेसी को लेकर हम चल रहे हैं, इस 10 साल की लेगेसी, ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि 10 साल में हमने दिखाया है, हमने करके दिखाया है जो कोई नहीं सोचता था। वो कह रहे हैं 30 लाख नौकरियां दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? एक मिनट, रोजगार, महंगाई, क्या गायब है? ये आरोप है कांग्रेस का, जवाब दीजिए। मैं रोजगार पे भी आ रहा हूँ, धारा 370, 70 साल बीत गए, कहते थे कि अगर कोई छुएगा तो आग लग जाएगी, हटी की नहीं हटी। और दूसरी बात, कम ज्ञान हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये 52 पन्ने का अगर मैनिफेस्टो पढ़ते तो देखते कि रोजगार की बहार आई हुई है, किस सेक्टर में रोजगार नहीं मिलेगा, किस सेक्टर में। यहाँ तो एक बाबा उठे कह दिए 30 लाख नौकरी भर देंगे, किसी ने कान में बोला कि बाबा केंद्र में 30 लाख नौकरी खाली है, भरना है तो 30 लाख नौकरी भर देंगे। अरे यहाँ पे कैसे भरेंगे नहीं पता है। दूसरा, 9वीं फेल उठे, 10 सेकंड और, 9वीं फेल उठे कहे 1 करोड़ नौकरी देंगे, 1 लाइन जोड़ी सृजन करेंगे, कहाँ से करेंगे ये नहीं पता, कैसे करेंगे ये हमने बताया। आलोक शर्मा जी मोर्चा संभालिए, वो कह रहे हैं कि हमारे पास ही असल खाका है, मोदी की गारंटी ही गारंटी, पूरा करने की गारंटी है, इधर कौन है जिस पर विश्वास करे। सबसे पहले तो मैं इस वीरों की भूमि बाबा केदार, बाबा बद्री और माँ गंगा को नमन करता हूँ, और सबसे पहले मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी का आज जन्मदिन है, पूरे देशवासियों को उसकी बधाई देता हूँ। अब बात आती है जुमला पत्र की, जो आज ये मोदी जी का जुमला पत्र आया है, ये खिलौना है, इसमें लिखा है, अरे भाई सुनिए ना, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं जुमला पत्र की, इसमें लिखा है मेड इन चाइना। और ये मोदी जी का जुमला पत्र है, ये और ये दोनों बराबर हैं। मोदी जी की सारी गारंटी, जैसे चाइनीज माल की कोई गारंटी नहीं होती है, वैसे ही मोदी जी के किसी चीज की गारंटी नहीं। उसका कारण बताता हूं मैं आप लोगों को, युवा बैठे हैं इसलिए बता रहा हूं मैं। 2014 का मैनिफेस्टो पेज नंबर 5 लिखा था, स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर विदेशों से काला धन लाएंगे। किया क्या इन्होंने, किया ये कि इलेक्टोरल बॉन्ड ले आए। दूसरा, पेज नंबर 6 पे लिखा था रुपए
को मजबूत करेंगे डॉलर की तुलना में, 54 रुपए से पहुंचा दिया 86 पर, ये गारंटी की बात कर रहा हूं मैं। 8 नंबर पेज पर लिखा था नॉर्थ ईस्ट को मजबूत करेंगे, मणिपुर में का क्या हाल किया है, ये मोदी जी की गारंटी है। पेज नंबर 15 बीजेपी का घोषणा पत्र 2014, उसमें लिखा था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, अगर कोई एक बन गई हो तो उसका नाम जरूर बताइएगा मुझे। मैंने इसीलिए कहा इसमें 15 नंबर पेज पर लिखा था कि 100 जिलों को हम गरीबी से दूर करेंगे और वहां पर काम करेंगे, और किया क्या कि पूरे देश को आज 80 करोड़ राशन की बात करते हैं कि हम दे रहे हैं, और हालत यह है कि इस जुमला पत्र में मेरे यहां युवा साथी बेरोजगारी से जूझने वाले बैठे हैं, इस जुमला पत्र में गूगल कीजिएगा, बेरोजगारी शब्द ही 2 जगह आया है केवल, बेरोजगारी से इनको बेरोजगारी का ब नहीं पता, महंगाई का म नहीं पता, और बात करते हैं बड़ी बड़ी, देश को 4 गुना कर्जे में मोदी जी ने पूरा डुबो दिया, कहा था किसानों की आय डबल करेंगे, किसानों के ऊपर कर्जा डबल कर दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी की गारंटी इस चाइनीज सामान की तरह है जिसकी कोई गारंटी नहीं। अब विधायक जी को बोलने दीजिए, क्योंकि यहाँ के स्थानीय मुद्दे भी आने चाहिए। देखिए आपके लिए चुनौती है, एक सेकंड, 5-5 सीट आपने दोनों बार दी है, लेकिन इस बार चैलेंज बड़ा है, और आपके बगल में जो बॉबी जी मौजूद हैं, इस बार तो माना जा रहा है वो भी एक चैलेंज है। अंजना जी, पहले तो मैं बता दूं कि आलोक जी को संभवता भूल गए हैं कि 2004 में यूपीए ने अनाउंस किया हम किसानों के कर्जा माफी की योजना लाएंगे, लाए उसको 2007 में चिदंबरम साहब बजट में। मैं बजट का छात्र भी हूँ, मैं विशेषज्ञ हूँ उसमें। 7 में लाए, 8 में इंप्लीमेंट किए, 57,000 करोड़ रुपए का रिलीफ 20 साल में दिए। अरे विधायक जी, 2024 है। अरे मोदी जी हर साल 25,000 करोड़ रुपए नकद बांटते हैं और 3,00,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के खाते में ट्रांसफर हो चुके हैं, जो मैं बता रहा हूँ। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, छोटा छोटा सबको मौका मिले। नहीं, अरे बताना तो देंगे। पूरी कीजिए। आप उत्तराखंड की बात करेंगे, उत्तराखंड का मैं आपको बता रहा हूँ। जरा मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से कि कभी पूरे अपने यूपीए 1 एंड यूपीए 2 के कार्यकाल में कितने बार प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड की सुध ली, लेकिन ये मोदी जी की गवर्नमेंट थी, इस बात की परवाह किए बिना कि 5 लोकसभाएं हैं, अनगिनत बार वो यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का 3रा दशक उत्तराखंड का शतक है और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम वॉर फुटिंग पर करने का काम। आज कर्ण प्रयाग रेल पहुंच रही है, रेल विच वॉज थॉट इम्पॉसिबल, आज ट्रेन पहुंच रही है वहां पर। नामुमकिन को मोदी जी मुमकिन कर रहे हैं, ये वो कह रहे हैं। आपके लिए चैलेंज है नरेंद्र मोदी के लोग जाने के लिए, देहरादून देहरादून से दिल्ली जाने के लिए लोग एयर अरे फिर मौका आएगा साहब, फिर मौका आएगा, और जाते हैं 3 घंटे में। आपके लिए नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को चुनौती देकर 5 सीटें जीतना बहुत बड़ा चैलेंज दिखा रहा है। एक चैलेंजर तो यहाँ बॉबी भी आके खड़े हैं। देवभूमि से शुरुआत होती है, ये अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, बड़ी बड़ी चीजों की शुरुआत होती है, और अंकिता भंडारी से शुरुआत हुई, मणिपुर की बेटियों के साथ उनके स्तनों को छुआ गया, उनका गैंग रेप हुआ, ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाया गया और तहलवान बेटियों को जमीन पर घसीटा गया। इसकी शुरुआत अंकिता भंडारी से हुई और उसके पहले इनका अपना संगठन महामंत्री संजय कुमार अपने ही ऑफिस में एक बेटी का बलात्कार करता रहा और इनके नेता कहते रहे कि प्रचारकों की भी शारीरिक जरूरतें होती हैं। ये बेटियों के विरोधी है, ये महिला विरोधी है, और उत्तराखंड की जनता जानती है अंजना जी
कि उत्तराखंड महिलाओं के बलिदानों से बना हुआ है। अंकिता को न्याय नहीं दे रहे ये, इसीलिए मणिपुर की बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा, हमारी किसी भी बेटी को न्याय नहीं मिल रहा। अंकिता भंडारी का मुद्दा, मैं आ रही हूँ बॉबी जी इसके बाद तुरंत, अंकिता भंडारी का मुद्दा, एक सेकंड सर, एक सेकंड, तीन कन्विक्ट्स की बात नहीं है, बीजेपी के उन नेताओं की बात है जिनके संरक्षण में हुआ, जिन्होंने आदेश दिया कि उसको रिसोर्ट को, मैं आपसे करूं, रुकिए साहब, अरे लॉ के सामने जाइए ना, एसआईटी है, किसी ने मना किया है? कोई जाकर के जिनके पास डिमोलिशन का ऑर्डर किसका था? आपके पास है वहाँ पर डिमोलिशन का ऑर्डर किसका था? लोगों को जेलों के पीछे भेज दिया है, जिस किसी के पास भी, इतने सारे भीड़ में कह रहा हूँ, जिस किसी के पास भी क्रेडिबल एविडेंस है वो एसआईटी के सामने जाए, और धामी सरकार किसी कीमत पर किसी को पकड़ने वाली नहीं है। बॉबी साहब आपकी बारी है, सलाखों के पीछे संभालिए, बताओ वीआईपी, एक सेकंड सुनना है, नहीं सुनना है नेताओं को, थोड़ा सा रुक जाइए, वीआईपी का नाम नहीं बताते, एसआईटी का काम, बॉबी जी आपके समर्थक तो बड़े आए हैं भाई, ये तो पता चल रहा है, समर्थक, लेकिन 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 देखिए चुनाव जीतना एक बड़ी चुनौती होती है साहब, कुछ समर्थकों के साथ घूमना, अच्छी बातें करना, लोग आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने है फॉर्मिडेबल दो पार्टीज, आपको लग रहा है वाकई कि आप बीजेपी और कांग्रेस को उखाड़ देंगे? देखिए ये चुनाव लड़ना सबका अधिकार, सुन चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, और हम किसी को उखाड़ने नहीं आए हैं, हम तो वो गारंटी बताने आए हैं जो गारंटी अभी लेकर आए हैं कि मोदी जी की गारंटी है। हम कहते हैं कि इस उत्तराखंड में, इस देवभूमि में मोदी जी की गारंटी धामी है, मोदी जी की गारंटी धामी है जो चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और उसके बाद सुनो, और उसके बाद एक एसडीएम जैसे जिम्मेदार पद पर, एक एसडीएम जैसे जिम्मेदार पद पर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर के एसडीएम बनाया जाता है। मैं ये गारंटी की बात करने आया हूँ, मैं अगर यहाँ पर आज खड़ा हूँ तो उत्तराखंड में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है, मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ के युवाओं को छला है, बहन अंकिता भंडारी की बात हो रही है, वास्तव में ये उत्तराखंड महिलाओं के बलिदान पर यहाँ के 42 शहादतें हुई है, भीख में ये उत्तराखंड नहीं मिला है। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से गारंटी लेकर आए हैं, हम कहते हैं अच्छी बात है आप गारंटी लाइए, गारंटी लाना अच्छी बात है, पर जो युवा 450 दिन से एक तिरपाल के अंदर बैठा है, वो कह रहा जिन्होंने युवाओं के भविष्य को बेचा उनकी जगह सलाखों के पीछे होनी चाहिए, और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं भर्ती घोटालों की, पर सीबीआई जांच नहीं हो रही है, कितनी बड़ी विडंबना है। देखिए विधायक जी इसका एक जवाब दीजिए, आरोप यही है ना कि बीजेपी के नेताओं के संरक्षण, आप पूरा सुनिएगा फिर बोलिएगा, गुस्से की बात नहीं है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये महिलाओं की बात है, हम बहुत अच्छे से सुनेंगे। बीजेपी के नेताओं के संरक्षण में हुआ एक आरोप है, दूसरा है कि डेमोलिशन उस रिसोर्ट का ताकि वहां के सबूत मिटा दिए जाएं, ये किसके ऑर्डर से हुआ, क्या बीजेपी के नेता के ऑर्डर से हुआ, वीआईपी कौन था, ये तो उनकी माँ पूछ रही है, अंकिता की माँ पूछ रही है कि वो वीआईपी कौन था, ये सब कौन बताएगा, तभी तो इतना बड़ा ये इशू बनाना, तीनों का जवाब दीजिएगा। बिल्कुल स्पष्ट, बहुत स्पष्ट, मात बाकायदा कोर्ट में केस है, कोर्ट ने रिपीटेडली पूछा कि जिसके पास जो सबूत बताइए, जिसके पास जो गवाह कोर्ट में पेश करिए, कोर्ट के सामने जो पेश किया गया, जिस ड्राइवर ने जो कुछ कहा कोर्ट ने उसका कग्निजेंस लिया, बाकायदा जो भी क्रेडिबल एविडेंस है एसआईटी उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। धामी सरकार ने जितने भी जो आरोपी थे उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा, भ्रष्टाचार की बात हुई, भ्रष्टाचार के खिलाफ, नकल के खिलाफ, अनफेयर मींस के खिलाफ देश का सबसे सख्त कानून बनाने का काम धामी सरकार ने किया। ठीक है, अब आप लोगों की बारी है, कानून का राज हाथ उठाइए, किसको किसको सवाल पूछना है, हाथ उठाइए, छोटा सा जवाब, छोटा सा, जिसको जो मर्जी हो प्रश्न पूछ सकते हैं, सभी साथी यहाँ पर, बट रूल ऑफ द लॉ चलेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। विधायक जी आपने बोल लिया, आप जरा देखिए भाई, साथियों आप मेरे छोटे भाई बहन भी हैं, बड़े भी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, मैं केवल आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ,
क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि अंकिता भंडारी केस में उस वीआईपी का नाम क्या था, क्या आप जानना चाहते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या आप ये पसंद करेंगे कि जिस विधायिका के क्षेत्र में वो रिजॉर्ट डेमोलिश हुआ वो मोदी जी के बगल में बैठी थी, क्या आपको पसंद है? तीसरा सवाल, जो बाबी भाई ने भी उठाया, क्या पेपर लीक जो इस राज्य में सबसे ज्यादा और भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है, क्या वो लोग सलाखों के पीछे होने चाहिए कि नहीं? आप लोगों की आवाज ये बताती है कि मोदी जी की गारंटी फेल है, मोदी जी केवल भाषण देते हैं। आपने संकल्प पत्र में कहा है कि आप पेपर लीक के खिलाफ एक सख्त कानून लाएंगे, क्या होगा वो कानून, कैसे रुकेगा पेपर लीक? ला चुके हैं, लाएंगे नहीं, ला चुके हैं। बोलिए, यहाँ पे उत्तराखंड में पहला राज्य बना, और अपने राज्य पे गर्व कीजिए, आप लोग अपने राज्य पे गर्व कीजिए। ये पहला राज्य बना, ये पहला राज्य बना जिसने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाया। कांग्रेस किस मुंह से बोलती है, बगल में राजस्थान है, बगल में राजस्थान है, लेकिन ना वहाँ नहीं। और बाय द वे अंजना जी, आजकल कांग्रेसियों को, आपको पता है कांग्रेसियों को आजकल भाजपा के 2014-19-24 के घोषणा पत्र के पन्ने तक याद रहने लगे। सब कांग्रेसी धीरे धीरे छोड़ के, कांग्रेस को छोड़ के भाग रहे हैं और घोषणा पत्र याद कर रहे हैं। तो कंपटीशन लगी हुई है, जो भाजपा का घोषणा पत्र ज्यादा याद करेगा उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे। चलिए उठिए, दो तीन सवाल अब लेते हैं, जल्दी सुनिए, सवाल सुनिएगा तभी तो जवाब सुन पाइएगा। मैडम, मेरे उत्तराखंड के विषय में बीजेपी के प्रवक्ताओं से सवाल है। पहली बात तो ये कि तुम इधर उधर की बात ना करो, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। सबसे इम्पोर्टेंट, इस प्रदेश में उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाला कराने वाले आपके स्पीकर, उसको आपने वित्त मंत्री बनाया। आप मुकेश भट्ट का सगा भाई, मुकेश भट्ट का सगा भाई महेंद्र भट्ट, आपने प्रदेश अध्यक्ष आपके हैं, आपने उनको राज्यसभा भेजा। मैं इसलिए ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, चौहान जी मैं आऊंगा, 2000 से 2022 तक हुआ है, मैं आऊंगा, मैं आपके इश्यूज पे भी आऊंगा। मैं किसी पार्टी से जुड़े हुए क्या? मैडम अच्छाई से बताइएगा, पार्टी से? हाँ, मैं पार्टी से जुड़ा। कौन सी पार्टी? मैं कांग्रेस से हूँ। ठीक है, नहीं बता के पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाषण नहीं, सवाल। अंजना जी जरा उत्तर सुन लीजिए, क्योंकि भाषण के लिए हमने उनको बुलाया। अंजना जी उत्तर सुन लीजिए मैडम, जो UK SSC के चेयरमैन थे, जो जेल के सलाखों के पीछे, उनकी नियुक्ति इन्होंने की थी, हरीश रावत जी की सरकार ने की थी, इन्होंने नियुक्ति की थी, जेल के चेयरमैन ने उनकी नियुक्ति करने वाले थे। पूछे प्रेमचंद अग्रवाल को क्यों? यहाँ पर कांग्रेस के बैठे हैं, आप बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, आप पब्लिक भी हूँ और मैं पार्टी से भी हूँ, लेकिन मेरे दो सवाल हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली कांग्रेस ने एक भी टिकट नहीं दिया उत्तराखंड के अंदर महिलाओं को। दूसरी बात महिलाओं के हितैषी नहीं है। 33% आरक्षण मोदी जी ने दिया, 30% आरक्षण धामी जी ने दिया, 10% आरक्षण धामी जी ने दिया, इन्होंने क्या दिया इनसे पूछिए आप। 30% आरक्षण भी नहीं दे पाए और महिलाओं की बात करती है कांग्रेस। महिला हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़, प्रियंका अकेली लड़ती है, केवल प्रियंका वाड्रा अकेली लड़ती है। आपने कांग्रेस पार्टी में किसी 5 सीटें हैं उत्तराखंड की, आपने एक भी महिला उम्मीदवार को क्यों नहीं उतारा, अगर आप उनके हित सोचते हैं? देखिए, मुझे लगता है सिंबॉलिक यहाँ की एक कैंडिडेट को उतार देना महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है। हमने अपने मैनिफेस्टो में 50% सब 50% महिलाओं को रिजर्वेशन जॉब्स में देने की बात हमने की है। अब मैं एक जनता से सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरे जितने युवा साथी हैं, अंजना जी एक सवाल है छोटा सा, मैंने उत्तर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ युवाओं, क्या आप अग्निवीर योजना को समाप्त चाहते हो, हाँ या ना? उत्तराखंड में सबसे ज्यादा डिफेंस में भर्ती होती है, फौज में भर्ती होती है, और यहाँ का उत्तराखंड का युवा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मोदी जी की अग्निवीर योजना को समाप्त होना चाहिए। कांग्रेस आएगी और अग्निवीर योजना को समाप्त करेगी। ठीक है, किसी को नाराजगी ना हो इसे बता दें, जो पहला सवाल आया था वो कांग्रेस के नेता थे, जो दूसरा आया था वो बीजेपी की नेता थी। हमारी कोशिश होगी कि बीजेपी की भी नेता कांग्रेस का हो गया, कम से कम आम जनता के कुछ सवाल हो, आम जनता के। चलिए, आम जनता, माइक कैमरे के। अंकिता हत्याकांड को लेकर मेरा सबसे बड़ा सवाल है, आखिर वो वीआईपी कौन था जो आज तक नहीं पकड़ा गया? दूसरा मुद्दा ये है,
उन्हीं बच्चों पे लाठी चार्ज होता है जो बच्चे अपने हक के लड़ाई के लिए उसके भू कानून के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनके उन्हीं पे क्यों मुकदमे होते हैं? कहाँ है धामी सरकार? क्यों उन्हीं बच्चों को जेल में डाला जाता है? और कौन बोलेगा? आप बोलिए, आइए। छोटे छोटे सवाल। मेरा भाजपा से एक सवाल है। वैसे ये बहुत हिंदू धर्म की बात करते हैं, हमारे केदारनाथ मंदिर का सोना पीतल कैसे हो गया? महादेव के दर पे आपने चोरी कैसे करी, आप ये बताइए। और आप रोजगार की बात करते हैं और सरकारी नौकरी जिनकी है, आप अग्निवीर को 4 साल के लिए रख रहे हैं, तो कहाँ आप रोजगार दे रहे हैं? आप झूठा रोजगार रोजगार क्यों चिल्लाते हैं? हाँ, दो मिनट सब शांत हो जाओ। सवाल। हाँ जी, हाँ मैडम, मेरे घर पे बीजेपी के 6 पार्षदों ने और विधायक ने मेरे घर पे जानलेवा हमला किया था, मेरा पूरा घर तोड़फोड़ की थी, मेरे पत्नी के साथ मेरे साथ में जानलेवा हमला किया गया था, पेट्रोल से जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। इस घटना को 14 महीने हो गए और यहाँ की मित्र पुलिस ने बहुत अच्छी मित्रता निभाई है बीजेपी के नेताओं के साथ में। आज तक क्यों हमला हुआ था है जी? क्यों हमला हुआ? मैडम, मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, हमारी सोसाइटी के 25 करोड़ की जमीन है बीजेपी के नेताओं ने कब्जा की थी, जिस कब्जे के लिए मेरे सचिव होते हुए मैंने विरोध करा था, जिस कारण इन लोगों ने मेरे परिवार के ऊपर जानलेवा हमला करा, पेट्रोल से जिंदा जलाने की कोशिश करी और आज तक पुलिस ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी है। मेरा निवेदन है कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। ठीक है, इधर से कौन सवाल? आप भी देखिए, आपके भी इनके भी सीने पे लिखा हुआ है बॉबी पवार, लेकिन सवाल ये भी पूछ सकते हैं। मैम, जो ये कांग्रेस बीजेपी का हो गया तो इनका भी होना चाहिए। मैं दोनों पार्टियों से सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो ये बार बार परिवारवाद की बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो भाजपा बार बार बात करते हैं परिवारवाद, तो हमारे ऊपर 60 साल से परिवारवाद को क्यों थोपा जा रहा है? यहाँ राजशाही क्यों दी जा रही है? दूसरा उम्मीदवार क्यों नहीं आता यहाँ दोनों पार्टियों से? आपको बता दें, इनका सवाल है माला राजलक्ष्मी शाह को, जो लगातार यहाँ से टिकट मिल रहा है, एक उपचुनाव 12 में जीती, 14 में जीती, 19 में जीती, इनका कहना है कि राजशाही हम पे क्यों थोपी जा रही है? कुछ सवाल इधर से लेते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता बता के पूछो। हाँ बता के। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से आरोप लगाते हैं कांग्रेसी की, जो कांग्रेस छोड़ के जो अन्य दलों में लोग जा रहे हैं तो सब भ्रष्टाचारी है, तो क्या कांग्रेस में सिर्फ भ्रष्टाचार ही पनप रहा है? दो तीन सवाल और ले लेते फिर एक बार कांग्रेस में रहते तब तक वो बिल्कुल साफ। मैडम, पहले तो आज तक और अंजना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उपस्थित प्रवक्ताओं का स्वागत। मेरा जो प्रश्न है ये भाजपा वालों से है, क्योंकि ये सत्ता में ये नहीं से प्रश्न किया जाएगा। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि हमारे जो सांसद थे 10 साल से ये सांसद हैं, इन्होंने कितनी बार उत्तराखंड की बात संसद में उठाई? एक बार भी नहीं। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि अग्निवीर के लिए जो तैयारी करता है हमारा युवा, उसको 3 साल बाद बेरोजगार कर दिया जाता है, उसके भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि इस राज्य को 42 सांसदों के बाद हमने बनाया था, आज तक हमें 24 साल में स्थायी राजधानी नहीं मिली, हमें हमारा भू कानून नहीं मिला, हमारा मूल निवास 2012 में छीन लिया गया, हमारे अब जो आज भी पलायन आयोग जो बना वो खुद पलायन कर गया, और आज लगातार जिस प्रकार से उद्योग युवाओं की जिस प्रकार से बात चल रही है आप देख रहे हैं, लगातार हर 5वां आदमी जो है बिल्कुल इस तरीके से सड़क पे आने को मजबूर। सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि ये कौन व्यवस्था सुधारेगा इसको? इधर से एक सवाल और, जो लड़कियां हैं पीछे थोड़ा सा, वो लड़कियों को बोले आप। मैं आप पर विश्वास करती हूँ कि आप पार्टी से नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर वैसे ही सवाल आ रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल है बीजेपी के नेताओं से और पार्टी से, इनकी कदनी और कदनी में फर्क है। हमने उत्तराखंड बनाया था बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, यहाँ बीजेपी ने केवल अपने परिवारों के बच्चों को ही नौकरी पे दी। दूसरा, जितने भी ये नियुक्तियां बाहर से हुई उसमें जो है सारे बीजेपी के नेता जो है उसमें लिप्त रहे और आज बेल पे भी छूट रहे हैं। आज जो लड़कियां हैं यहाँ पे, ठीक है, बैठिए। मैं एक स्टूडेंट और मेरा सवाल आलोक शर्मा जी से। एक सेकंड प्लीज, देखिए सवाल नहीं हो पाएंगे, सबके सवाल होने दीजिए, लड़कियां बच्चियां इनके सवाल। मैम, मेरा सवाल सीधे आलोक शर्मा जी से। अभी कुछ देर पहले उन्होंने बीजेपी को घेरे में लेकर काले धन की बात की थी। मेरा क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस के बैंक खाते को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वास्तविक टैक्स नहीं चुकाने के कारण ने फ्रीज कर दिया था, ऐसा क्या कारण है जो
कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से इनकम टैक्स नहीं चुकता कर रही है। मेरा दूसरा आपका सवाल क्या है, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के खाते को फ्रीज कर दिया, आखिर क्या सवाल है, क्या कारण है जो कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से टैक्स चुकता नहीं कर रही है? टैक्स रिटर्न क्यों नहीं फाइल किया? आ रही उधर आ रही। मैं जैसे कि अभी सीएए लागू हुआ है पूरे भारत में और कहा जा रहा है कि जब कांग्रेस सरकार आएगी तो सीएए को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, क्या ये बात सच है? और अगर ये बात सच भी है तो सीएए को उखाड़ के फेंकने की बात क्यों कर रहे हैं कांग्रेस वाले? ठीक है, एक राम मंदिर को लेकर इस देश में बहुत शानदार बात हुई, प्रभु राम अपने घर में गए तो सारे देश ने उत्सव मनाया। इस प्रदेश में हम अपनी खुली आंखों से एक ऐसा भवन बनते हुए देख रहे हैं, एक सैनिक के बेटे। सवाल क्या है? सवाल है, एक सैनिक जो सेना में भर्ती हुए, सेना में सैनिक के रूप में भर्ती हुए और रिटायर हुए सूबेदार के रूप में, उन सूबेदार साहब के बेटे आज इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। वो ताकत इसलिए मिल पाई मैडम क्योंकि वो अग्निवीर नहीं थे, और इस अग्निवीर ने आज इस प्रदेश के युवाओं के भविष्य से इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिया कि अगर अग्निवीर योजना होती तो पुष्कर सिंह धामी के पिताजी उनको कॉलेज नहीं पढ़ा पाते, स्कूल नहीं पढ़ा पाते, और वो अच्छी स्कूलिंग और अच्छी जो पेरेंटिंग आज इंतजाम है कि धामी जी का बेटा ददून स्कूल में एडमिट हो गया है। क्यों? क्योंकि वो राजीव गांधी जैसे स्कूल में उसको इसलिए मिला क्योंकि उसके दादा सैनिक थे, सूबेदार बने और अग्निवीर नहीं थे, ये अग्निवीर शराब है। मैडम पहले तो मैं आपको बताता हूँ, उत्तराखंड ऐसी राजधानी बन गई है, यहाँ नेता खड़े कभी इस पार्टी में होते हैं कभी उस पार्टी में होते हैं। और दूसरी बात, मैं कुंभ नगरी हरिद्वार से आया हूँ और पहले तो जोशी मठ में इतना बड़ा भूदसाब हुआ, और आलोक शर्मा जी भी जानते हैं पहले इन्होंने कुंभ नगरी से प्रत्याशी हो गए थे कांग्रेस के। लेकिन मैं मुन्ना सिंह चौहान जी को भी प्रणाम करता हूं, भोबी पवार जी को भी प्रणाम करता हूं, आज तक गंगा जी के गंदे नाले बंद नहीं हुए। और सबसे बड़ा, अगर टीरी में कोई घोटाला हुआ है टीरी लोकसभा में, वो यमुनोत्री धाम के साथ सौतेला व्यवहार आप लोगों के द्वारा किया गया, जहां 35 करोड़ का जो घाट बनाने का वो था वो कहां गया? मैं इन सबसे सवाल करना चाहता हूं। दो तीन सवाल और ले लेते हैं, इधर से पीछे से आते हैं। मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं से ये सवाल करना चाहता हूं कि आपने युवाओं के सर पाड़े, आपने युवाओं पर गंभीर धाराएं के तहत 307 जैसी गंभीर धाराएं लगाई आप। मैं सवाल पूछना चाहता हूं बीजेपी प्रवक्ताओं से, उन्होंने कहा कि हमने सबसे मजबूत नकल कानून बनाया, लेकिन उस नकल कानून के अनुसार सबसे पहला जो मुकदमा हुआ वो उस छात्र पे हुआ जिसने कहा कि पेपर लीक हुआ है। तो ऐसा नकल विरोधी कानून आपने बनाया, और आप अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड का घोटाला सामने आया तो उसमें जो उत्तरकाशी में जो छोटे छोटे सवाल कीजिए और लोगों को मौका मिले। उत्तरकाशी में जो सुरंग धसी थी नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी ने बनाई थी, उसने 55 करोड़ रुपए बीजेपी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड से चंदा दिया, तो ये है आपका भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान। ये वीआईपी कल्चर में पहले एक गाड़ी पे लाल बत्ती होती थी, अब चार गाड़ियां साथ चलती है, वीआईपी कल्चर कब खत्म होगा? वीआईपी कल्चर कब खत्म होगा? एक दो सवाल और इधर से ले। मैं मेरा सवाल कांग्रेस गवर्नमेंट से ये है कि 370 के पहले आपने कांग्रेस की सरकार नहीं है आप। मैं तब भी कह रहा हूँ 370 की जब सरकार थी उन्हें 370 में क्यों नहीं हटा, जब तुरंत बीजेपी आई उन्हें 5 अगस्त 2019 में तुरंत हटाई, उसके पहले क्यों नहीं हटाई? क्यों नहीं हटाई? कोई सवाल पूछना है? ये आखिरी सवाल है जिसके बाद नेता। सबसे पहले मैं तो एक नारा लगाऊंगा, जय श्री राम। उससे पहले मैं कहूँ गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहाँ सारा जब गुजे जय श्री राम का नारा। सवाल क्या है? सवाल ये है, आज तक कांग्रेस कहाँ थी जब हमारे राम जी 480 सालों तक तंबू में रहे, जब दिल्ली यहाँ से जाते थे तो 6 घंटे लगते थे और 3 दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता था, तब ये कांग्रेस कहाँ थी जो आज सवाल उठा रही है? और ये हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वो राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए है, ये प्रदेश नेतृत्व के लिए नहीं है। तो राष्ट्रीय मैडम
मैडम नाम पहले इस उत्तराखंड की योजना है, पहले उत्तराखंड की योजना 40-40 साल में पूरी होती थी। तीन हजार की 18 करोड़ की योजना थी, 13 हजार करोड़ में पूरी हुई। अब ऑल वेदर रोड, अब ऑल वेदर रोड जो है वो टाइम पूरी हो रही है, कंट्री लाइन पूरी हो रही है। मैं केवल एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं अपनी वर्तमान सरकार से। आप जो है परिवारवाद की बात करते हैं कि गलत है, बिल्कुल हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। क्या टीरी में जो राजशाही फैमिली, क्या वो परिवारवाद नहीं है? बिल्कुल, इसके सबका जवाब लेंगे। एक आखिरी इधर से, इस कोने से एक आखिरी सवाल है। बॉबी भाई को सबसे पहले पूरा बोलने का मौका दिया जाए। बॉबी जी के समर्थक आज छोड़ेंगे नहीं मुझे। बॉबी जी से ही शुरू कर लेते हैं। बॉबी जी बताइए भाई, अपने समर्थकों के लिए एक सेकंड, अब जवाब सुन। अगर आपको एक विकल्प बनना है तो आपका रोड मैप क्या है? क्योंकि क्रांतिकारी नारे और भाषण दिए जा सकते हैं, लेकिन आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सभी ये जो बेरोजगार, रोजगार होना चाहिए, नौकरी होनी चाहिए, इतनी नौकरियों का सृजन बॉबी जी कैसे करेंगे, बताइए जरा। ये अगर यहाँ पे आज खड़े हैं तो हमारे भाषणों से नहीं है। हम लोगों ने संघर्ष किया है और वो संघर्ष के साथ ही है उन लोगों को विश्वास दिलाया कि ऐसा भी संघर्ष किया जा सकता है। हमने अपनी जान की परवाह किए बिना, जब हमें धमकियां आती थी, जब 307 जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई, तब हम लोगों ने इनका साथ नहीं छोड़ा। अब मैं कहना चाहता हूं कि आपने कहा रोड मैप क्या है। देखिए, रोड मैप सीधा सा है कि इस उत्तराखंड में जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर लड़ाई लड़नी होगी और हमने लड़ी है। नहीं, मैं कुछ और पूछ रही हूँ आपसे। जी, आप लड़िए, बहुत अच्छा है। आप जैसा युवा आए, सामने आए, लड़े, मुद्दे उठाए। मैं नौकरी देने का आपका रोड मैप क्या है, अगले 5 लाइन में बताइए। नौकरी देने का रोड मैप, सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने कहा डबल इंजन आई है, मैं कह रहा हूँ ट्रिपल इंजन आई है, और वो ट्रिपल इंजन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और सेंटर में है। ये जब यहाँ टीरी डैम का जब एक ईंट रखी गई, जब उसका अनावरण हुआ, तो मैं ये कहता हूँ कि उस डैम में आज जब आंकड़े जुटाएंगे तो यहाँ के लिए 12% रॉयल्टी वहाँ पर दी जा रही है मात्र। हम लोगों ने सैकड़ों गाँव वहाँ डुबाए, हजारों लोगों को पलायन करना पड़ा, और आज पता है, अगर मैं आपसे पुनः पूछ रही हूँ, मैं कह रही हूँ, मैं नौकरी देने का रोड मैप बताइए, 5 लाइन। मैं बता रहा हूँ, अगर उस डैम में हमें 50% हिस्सेदारी मिल जाती। सुनिए, अगर देखिए, आपको मैंने वादा किया था, आपके नेता को टाइम दिया है ना, अब उनको बोलने दीजिए, सुनने दिए। नौकरी देने का रोड मैप बॉबी पवार जी बता रहे हैं, सुनिए सब लोग। मैं बता रहा हूँ, नौकरी देने का जो रोड मैप है स्थानीय स्तर पर, सुनिए, आज जिस टीरी डैम में हमारे हजारों लोगों को नौकरी मिल सकती है, उस टीरी डैम में जिस प्रकार से केवल 12% रॉयल्टी के आधार पर, इस आधार पर उस रॉयल्टी या हिस्सेदारी को नहीं बढ़ाया जा रहा है। और दूसरा, उत्तर प्रदेश में हजार नौकरी कहा ना आपने, वहां से बाकी हजारों और बाकी रोड मैप, मैं बता रहा हूँ ना, मैं मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ जो प्राइवेटाइजेशन लाया है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बाहर की कंपनियां यहाँ लाई है, समूह ग और घ में जो स्थानीय युवाओं को नौकरी मिलनी थी, वो 2012 में मूल निवास समाप्त करके जो स्थायी निवास लाया है ना, वहाँ पे बाहर के युवाओं को यहाँ समूह ग में, जबकि हमारे लोगों को बाहर नहीं मिल रही है, समूह ग में नौकरी मिल रही है, पर बाहर का युवा 5 साल में स्थायी प्रमाण बनाकर वो यहाँ पर नौकरी कर रहा है। ठीक है आलोक जी, आपने उनका रोड मैप सुना, अपना रोड मैप बताइए, क्योंकि बात ये भी हो कि हर पार्टी का एजेंडा क्या है, वो कैसे बदलेगा उत्तराखंड की तस्वीर। देखिए, सबसे पहले और जो सवाल आए थे वो सब भी, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो रोजगार जाता है वो सबसे ज्यादा डिफेंस में जाता है। अग्निवीर योजना को कांग्रेस पार्टी आते ही समाप्त करेगी, सबसे पहली चीज। उसके बाद 30 लाख पद जो सरकारी नौकरियों में केंद्र में खाली पड़े हैं उनको हम भरेंगे। तीसरा, हमने कहा कि हम पेपर लीक जितने हुए हैं उनके ऊपर पूरी तरह से लगाम लगा के, और जो कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग हैं जिसकी वजह से भर्ती नहीं हो पा रही है उनको भर्ती कराएंगे। अब मैं कहना चाहता हूं कि आप सब उत्तराखंड के साथी हैं मेरे, आपको पता होगा कि गंगा की सफाई के लिए
एक स्वामी जी थे जिनका नाम आप लोग में से शायद बहुत से नहीं जानते हो, ज्ञान स्वरूप जी महाराज। 67 दिन तक वो पूरी तरह से भूख हड़ताल पर रहे, उनकी मृत्यु हुई, उनका देहांत हुआ। आज सबसे पहले हम उनको नमन करते हैं कि जिन्होंने गंगा एक्शन प्लान के भ्रष्टाचार, गंगा की सफाई के भ्रष्टाचार को पूरी तरह से उजागर किया। यहाँ की पूरी सभा से अंजना जी आज तक के दर्शक समझ गए होंगे, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर बेरोजगारी है, दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर महिला असुरक्षा है, और उसमें भी अंकिता भंडारी का केस और उस वीआईपी का नाम पूरा उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, वो मुद्दा है महंगाई का, के उत्तराखंड में महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण लगभग 8 जिलों में जो भयंकर पलायन हुआ है इस डबल इंजन की सरकार में। मोदी जी आते हैं तो भाषण देते हैं बड़े बड़े कि यहाँ की जवानी और यहाँ का जल यहीं पर रोकूंगा, और उसके बाद भयंकर पलायन होता है। जवाब दीजिए। मोदी जी आते हैं और पलायन को बढ़ावा देते हैं। पलायन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। घोस्ट विलेजेस बनना, गांव ऐसे जहाँ पर लोगों ने पलायन कर लिया है, क्या करेंगे उसके लिए? देखिए निश्चित तौर पे, एक मिनट सुन लीजिए, अब एक मिनट सुन लीजिए जरा, एक एक करके जवाब दे दूं। सबसे पहली बात जनरल विपिन रावत का अपमान किसने किया था? ये कह रहे हैं अग्निवीर खत्म करेंगे, यही के बेटे थे जनरल विपिन रावत को सड़क का गुंडा कहने वाले ये व्यक्ति कहते हैं कि अग्निवीर लाएंगे। अग्निवीर एक साल के बाद आएगा, एक साल के बाद दिखेगा। अग्निवीर के जितने लोग हैं हर जगह सरकारी नौकरी में, और एक बात बता दूं आपको, लोकल एक मिनट, उत्तराखंड मोदी जी के दिल में बसता है। इन लोग के यहाँ पे नारे लगाने से कुछ नहीं होने वाला है, और कांग्रेस के झूठ से कुछ नहीं होगा। और मैं एक बात आपको बता दूं अंजना जी, एक बात बताता हूँ, पलायन भी रुकेगा और उत्तराखंड आगे भी बढ़ेगा, देवभूमि आगे भी बढ़ेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता है। और आज जितनी प्रगति देवभूमि कर रहा है वो लोगों के सामने दिखता है। 12 महीने मोटरबल सड़कें, शंट पे तक रेलवे लाइन, एक पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के काम उत्तराखंड को आगे ही ले जा रहा है और नौकरी बढ़ा रहा है। और जहां तक रही है पेपर लीक की मामले की बात, और जहां तक रही आप अंकिता भंडारी की बात कर रही है, सरकार बिल्कुल मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। अगर किसी को शिकायत है न्यायालय में जाके अपनी शिकायत दे, यहाँ पे झूठ फूट के सरकार को बताने की कोशिश कर रही है। और कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल नहीं, कांग्रेस पार्टी को अधिकार नहीं है। उत्तराखंड के निचले बच्चों ने इसी आर्मी में अपनी जान दी उस 370 के कारण, और ये 370 हटाना नहीं चाहते थे इस देवभूमि में। ठीक है, आप जवाब भी दीजिए और मेरा सवाल भी सुनिए। देखिए प्रश्न तो सभी जनता पूछ रहे हैं, लेकिन यहीं से मोदी मोदी के नारे भी निकल रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है जो उस महिला ने पूछा था, महिलाओं की चिंता है तो महिलाओं को टिकट क्यों नहीं देते? उन्होंने एक दिया तो वो रानी है, आप लोगों ने तो वो भी नहीं दिया, महिलाओं को टिकट क्यों नहीं? आप इतनी अच्छी उम्मीदवार बन सकती थी, महिलाओं को टिकट क्यों नहीं? देखिए जहां तक अभी चुनाव की बात है अंजना जी, जहां तक आज चुनाव की बात है, हम तो ये जानना चाहते हैं जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाए हैं उसको अगर लागू कर देते तो महिलाओं को आरक्षित सीट मिल जाती, वो इनके कारण नहीं मिली हुई है। लेकिन अगर रानी को लेकर आए और उसे रानी बुलाते हैं तो आज यहाँ की जनता बता दे कि श्री देव सुमन के साथ खड़े हैं वो जिन्होंने चुनौती दी थी राजशाही को, या उस रानी के साथ खड़े हैं जिसको रानी बुलाते हैं? ये श्री देव सुमन का अपमान करके ये राजशाही को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर एक जरूर बात आपको जाननी चाहिए कि यहाँ पे पंडा पुरोहित आंदोलनरत रहे, क्योंकि ये देवस्थानम बोर्ड एक्ट लेके आए जिसको इन्हें वापस लेना पड़ा था। क्यों? जो सैनिक कल्याण बोर्ड है वहाँ पे काम करने वाले पूर्व सैन्य कर्मी वो आंदोलन करते रहे और इन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। और जब हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो इनके ऊपर 307 का मुकदमा इन्होंने क्यों लगाया? जवाब दीजिए इसका, जवाब दीजिए। अच्छा आप बोलिए। दो तीन बातें मैं बहुत फटाफट, जल्दी जल्दी एकदम खटाखट। वी आर अ बॉर्डर स्टेट, नोबडी शुड ट्राई टू प्ले विद द फायर। ये मोदी सरकार है जिसको
कांग्रेस के रिजीम में कहा गया था अभी अब बॉर्डर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो चीन नाराज हो जाएगा, नीति माना को लास्ट विलेज कहते थे, मोदी जी ने कहा ये कंट्री का पहला विलेज है और बॉर्डर एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, चार धाम रोड पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, दिल्ली देहरादून इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का नतीजा ये हुआ कि केदारनाथ में जाने वाले जो फुटफॉल है यात्रियों का वो कई गुना बढ़ गया है, यही हमारा रोड मैप है। सोना किसने चोरी किया ये भी बताइए, रोजगार ही बेरोजगारों को खाली हाथों को रोजगार का काम है, नारे लगाना फर्जी नारे लगाना, बेरोजगारों के खाली हाथों को रोजगार नहीं है बल्कि स्वरोजगार को फैसिलिटेट करना, स्वरोजगार के अवसर देना, स्वरोजगार के लिए व्यवस्था बनाना, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देना, उसके लिए पॉलिसी इंटरवेंशन करना, उसके अनुकूल क्रेडिट पॉलिसी तय करना, ये रोड में छोटा है रोजगार देने के लिए। और हमने पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा दे करके टैक्स हॉलीडे की फैसिलिटी दे करके उत्तराखंड में रोजगार का सृजन किया और इंडस्ट्रियलाइजेशन का जितनी भी एक्टिविटीज हुई वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए हुई। मैं दोहरा करके कह रहा हूँ, पर्यटन का विकास होगा, स्वरोजगार का विकास होगा, स्टार्टअप का विकास होगा, कारोबार का विकास होगा, तो बेरोजगारों के खाली हाथ को रोजगार मिलेगा। हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में 9 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड है और बॉबी जी एक हिंट तो दे देंगे कि आप लोग कैसे कैसे चुनाव लड़िएगा, कैसे जीतिएगा, एक जगह जीत भी जाते हैं तो आप कितना कुछ बदल पाइएगा। अरे विधायक जी एक हिंट तो दे देते कि कैसे आप लड़िएगा, एक सीट जीत भी जाते हैं तो कैसे उत्तराखंड की तकदीर बदलिएगा। अगर हम एक सीट जीत जाते हैं तो हम 14 विधानसभाएं जीत गए, अगर एक सीट जीत गए 14 विधानसभाएं जीत गए, और जिस दिन हमारे पास 14 विधानसभाएं आ गई उस दिन इसका यहाँ इस उत्तराखंड में जो नीतियां बनेगी हमारे अनुसार बनेगी, वो हमारे अनुसार बनेगी। नारायण दत्त तिवारी सरकार में जो जियो आया था कि यहाँ के जो निजी क्षेत्र हैं या जो बड़ी परियोजनाएं हैं उनमें 70% रोजगार स्थानीय युवाओं को दिया जाएगा, आज आंकड़े उठाकर देखेंगे कि कितने युवाओं को रोजगार मिला। चलिए ठीक है, आज आपने देहरादून से शो देखा, कल हम 11 बजे पहुंचेंगे सहारनपुर, 12 बजे मुजफ्फरनगर, उसके बाद 1 बजे बिजनौर और फिर रात में 8 बजे मेरठ हम पहुंचेंगे और कल यूपी का दौरा हेलीकॉप्टर शॉट का शुरू होगा। लेकिन आज से हम एक नए कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही ये भी आपको बताना चाहते हैं कि आपको नंबर्स चुनना है। हम रोज एक लकी नंबर बताएंगे क्योंकि हम लगातार 100 कंस्टिट्यूएंसी तक जा रहे हैं। आज का लकी नंबर है 27, नोट कर लीजिए 27। जो भी लगातार बताए गए लकी नंबर सही बताएगा ऐसे 5 लोगों को इस हेलीकॉप्टर शॉट में शामिल होने का आज तक पर मौका मिलेगा। तो राष्ट्र लक में आज इतना, आप सभी का बहुत बहुत तालियों के साथ आप बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। देहरादून की जनता ने आज दागे सवाल, कल बारी होगी उत्तर प्रदेश की, हम जाएंगे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और फिर मेरठ। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।